मुझे खुशी है कि इसका डीवीडी अब रिलीज़ हो रहा है. जो लोग फिल्में कलेक्ट करना चाहते हैं, जो अपने पास रखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मौका है. और चूँकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो फिल्म में नहीं थे, या बिहाइंड द सीन्स जो फिल्म बनते समय जो चीज़ें हम बात करते हैं या जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब देखने का मौका लोगों को मिलता है. तो ये अच्छी बात है. आई थिंक पीपल हु लव फिल्म्स, जब मैं भी कोई फिल्म देखता हूँ जो मुझे बड़ी पसंद आती है, तो मुझे भी मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने कैसे ही किया ये सीन टीम ने, या कोई सीन जो कट चुका था अब देख के उसको एक समझ आता है कि फिल्म मेकर्स के टीम के मन में क्या गुजर रहा था जब वो फिल्म बना रहे थे. Sometimes when you look at scenes individually, they look very nice. But when you put them in a film, in a 2.5 hour long film, I'll tell you an example of Lagero Munnabai. When we edited that film, people were enjoying the film. The climax, nobody seemed to be liking. They said, "Nahi, climax mein maza nahi aa raha hai." And finally, I edited only 18 seconds out of it. And then when I showed it to people, everybody after that screening said, "Oh, what a climax, what a climax." Only 18 seconds were edited. So basically what happens when you're watching a film, you're taking a viewer on a journey, and if the journey is straight, they tend to like it. If you slightly waver sometimes, slightly come back, so it becomes kind of a speed breakers. And they lose, they're not as engaged sometimes. So that's something you really can't predict till you see the full film. So the scenes which went out were probably blocking the film, but in isolation when you look at them, they look nice. But as a whole, they were not holding the film, so we had to remove them. Well, the moment I saw these scenes, I remembered the times, wo dauran jab hum log final cut kar rahe hote hain aur kaun sa scene rakhe hain kaun sa nahi rakhe hain, wo jo ek struggle hota hai, internal discussions hote hain, wo mujhe zamana yaad aa gaya. Kyunki wo bada usme us zamane us waqt mein us dauran mein badi tension hoti hai hum logon ko. हमें पता नहीं ये फिल्म एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से सही करें, सही बनाएं. तो वो जो एक स्ट्रगल का दौर होता है, वो मुझे सडनली याद आ गया. और मैंने सडनली फिर मुझे लगा, हाँ अच्छा है, अपनी चल फिल्म चल गई है, सब मतलब वो दौर निकल चुका है, हम लोग अभी रिलैक्स हो सकते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने कहा कि मुझे बड़ा फनी लगता था वो, पर जैसा कि मैंने कहा कि जब हम उसको, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कंसीव किया गया था, अगर आपको फिल्म याद है तो वो जो गाना है, भगवान है कहाँ रे तू, वो जब सर्च में निकलते हैं भगवान की, यार अलग अलग वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी, चर्च में भी, हर जगह जाते हैं, वो नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो उसके बीच में के लिए हमने ये लिखा था सीन. मुझे लग रहा था एक सीरियस गाना, उसको बीच में मैं तोड़ के थोड़ा चाहता था कि लोग हंसे, पर जब हमने उस गाने के बीच में से लगाया तो वो ठीक नहीं लग रहा था. वो लग रहा था कि उस सेंटिमेंट को, उस इमोशन को वो तोड़ रहा है, तो इस वजह से हमने उसको निकाल दिया. जी, अभी चाइना में बहुत बड़ा रिलीज़ होगा पीके का, ऑलमोस्ट 3.5 और 5,000 प्रिंट्स. तो देखिए, जब हम कोई अच्छी फिल्म बनती है तो उसका पूरा एक देश नहीं, पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है, जैसे थ्री इडियट्स का हुआ था और जैसे पीके का हो रहा है. और ज़रूरी है कि अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा प्रपोजल होगा तो हम उसको बनाएंगे. साउथ इंडियन लैंग्वेजेज में भी हमारी बातचीत चल रही है, होपफुली वहाँ भी ये फिल्म बनेगी. और चाइना में हर जगह जहाँ भी अच्छा जपा, ये जैसा थ्री इडियट्स का साथ हुआ उससे बेहतर इसके साथ हो रहा है, देखेंगे जहाँ भी अच्छा होगा जरूर बनाएंगे.